नमस्कार, मैं हूं सऊद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं खबर एसएस न्यूज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए खबर एसएस की एक रिपोर्ट। प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा चुनाव के चलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता में 11वीं सूची जारी करी, जिसमें उन्होंने 24 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करी। देखिए कैमरामैन अमित के साथ साउद सिद्दीकी की भोपाल से एक रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की 11वीं सूची जारी कर रही है। इस 11वीं सूची में 24 प्रत्याशी को हम घोषित कर रहे हैं। अभी तक हम कुछ 148 कर चुके थे और 24 को मिलाकर 172 प्रत्याशी 230 सीटों में से हम आज घोषित कर चुके होंगे। आम आदमी पार्टी जैसा हमने पहले बताया है कि इस विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से लड़ रही है, 230 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और ये बताते हुए भी हमें खुशी है कि सभी दलों में सबसे आगे आम आदमी पार्टी इस समय चल रही है प्रत्याशी घोषित करने के बारे में। कांग्रेस और भाजपा एक भी प्रत्याशी आज तक घोषित नहीं कर पाए। मैं आपको सूची बता दूं आज की 24 लोगों की। लागोगढ़ जानते हैं बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी है, रूप सिंह ठाकड़ हमारे प्रतिनिधि होंगे। खिलचीपुर से बाबू अली खान, गाडरवाड़ा से महिला प्रतिनिधि है रेणु रामनिया, अनूपपुर से गोविंद सिंह आर्को हमारे प्रतिनिधि बनेंगे, बड़नगर से गोपाल पंचाल, घटिया से नारायण प्रसाद राणा, पन्ना से प्रेमलाल अहिरवार, राजनगर से अजय मिश्रा, चांदला से कामता प्रसाद पुरी, देवरी से राजेंद्र कुमार जैन, जबलपुर मध्य से अभिषेक शर्मा, सिवनी बालुआ से राजश्री सिंह दूसरी महिला प्रत्याशी है, आष्टा से ओंकार सिंह रणकौशल, भोजपुर से अर्पित श्रीवास्तव, काला पीपल से बाबूलाल परमार, घोड़ा डोंगरी से सुनील बरकड़े, भांडेर से अवतार सिंह बिजोले, दतिया से हरि सिंह रावत, डिंडोरी से अमर सिंह मार्को आप बैठे हैं यहाँ पर, राजपुर से उमराव सिंह बघेल, पुष्पराजगढ़ से भूपलाल टांडिया, रतलाम ग्रामीण से पवन डोडियार, पवन डोडियार जी भी यहाँ पे हाँ बैठे आप आ जाए। और मजे की बात है कि रतलाम और सैलाना रतलाम जिले के दो प्रत्याशियों का एक ही नाम है हमारा पवन डोडियार।